आप कंपेयर कर लीजिए नगर डी के गुजरों में और अलवर के मुसलमानों में, अगर कोई जनसंख्या के अनुपात में फर्क मिल जाए, गुजरों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे, मेवों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे। जब बेरोजगारी होगी, अशिक्षा होगी, तो लोग क्राइम में जाएंगे। गैंगवार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है। मेवात में इस तरह के कृत्य नहीं तो हो रहे कि रास्ते में लोगों को मार दिया जा रहा है, अपहरण कर दिया जा रहा है। ये क्राइम मेवात में है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बस एक ही मुद्दा है, कैसे इस समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम से बांटा जाए। मुझे एक बात बता दीजिए, 1947 से देश आजाद होने के बाद में जितने भी जासूसी पाकिस्तान के लिए पकड़े गए हैं, उनमें कितने मुसलमान हैं और कितने मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं? मुझे एक बात बता दीजिए कि आर्मी में शहीद होने वालों में जितनी अनुपात में आर्मी में लोग हैं, उस अनुपात से कम अगर शहीद हुए हों मुसलमान तो बता दें। इनका ये मुद्दा कहीं हलाल हराम, कब्रिस्तान शमशान घाट और जनसंख्या बढ़ाने के क्यों नहीं कानून लाते? मुसलमान के कानून नहीं मानेंगे कि दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए? कानून लेके आए, भ्रमित करना, लोगों को मूल समस्याओं से समाधान नहीं करना। आज चिकित्सा स्वास्थ्य का हिंदू मुस्लिम से मिल जाएगी, शिक्षा क्या मिल जाएगी? क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्या समाज से जुड़ा विषय है, क्या धर्म से जुड़ा? नहीं, कोई धर्म से, देखिए इस्लाम धर्म में सबसे पहली बात है कि वतन का कानून मानना आपका फर्ज है। कोई कानून ऐसा है कि हिंदुस्तान में जिसको इस्लाम के मानने वालों ने कहा हो कि हम नहीं मानते? बनाएं कानून, कानून सब मानेंगे, सब पे लागू करें। और जनसंख्या का जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, चाहे ओएससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी वर्ग में, आप कंपेयर कर लीजिए नगर डी के गुजरों में और अलवर के मुसलमानों में, अगर कोई जनसंख्या अनुपात में फर्क मिल जाए, गुजरों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे, मेवों के भी उतने ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं है। ये बड़ा आसान है कि मुसलमानों को टारगेट करते रहें, लेकिन इस देश में पैदा हुए हैं, देश में मरेंगे, देश की मिट्टी में मिलेंगे, और ये चाहे कितना ही सांप्रदायिकतावाद फैला लें, भारतीयता और राष्ट्रीयता में मुसलमान कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। वो इसलिए हो रहा है, आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, क्या राजस्थान में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एक भी बची है जिसको माध्यमिक विद्यालय में नहीं किया गया हो? मेवात में 11 स्कूल ऐसी हैं जो 14 साल से आवासीय सरकारी स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर की हैं बालिकाओं की, आज तक उनको उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमनत नहीं किया जा रहा है, स्कूल नहीं खोले जा। जब बेरोजगारी होगी, अशिक्षा होगी, तो लोग क्राइम में जाएंगे। जहां जहां बेरोजगारी है, अशिक्षा है, वहां क्राइम बढ़ रहा है। आप उन एरिया से तुलना करिए जहां एक्सटोर्शन हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है। मेवात में इस तरह के कृत्य नहीं तो हो रहे कि रास्ते में लोगों को मार दिया जा रहा है, अपहरण कर दिया जा रहा है। ये क्राइम मेवात में है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसको दूर करने के लिए पुलिस के अलावा सरकार को भी शिक्षा में, रोजगार में, इसमें कोई ध्यान देना चाहिएगा, ताकि युवा लोग रोजगार से जुड़ सके, शिक्षा प्राप्त करें, मेन स्ट्रीम में आ सके। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। जुबेर भाई, एक बार एक सवाल मेरा, सरकार मैं इनके तो लागू होना चाहिए नहीं, सरकार लागू करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर ये कानून बनाएगी सरकार, तो मैं इससे सहमत हूँ।